पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सुयांग वह किलर स्वॉर्ड जियान यू को देते हुए बोलता है इसे लेकर टियान सॉन्ग के पास जाओ, और उसे यह स्वॉर्ड देते हुए उससे कहना कि अगर वह 3 दिनों के अंदर इस स्वॉर्ड को कंट्रोल नहीं कर पाया तो मैं उसे और उसके वूजी स्वॉर्ड टावर को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। अब हमें वूजी स्वॉर्ड टावर में टियान सॉन्ग को दिखाया जाता है जो एक जगह पर बैठकर उस किलर स्वॉर्ड को देख रहा होता है। वहीं पर उससे थोड़ी दूरी पर जियान यू खड़ी होती है और वह टियान सॉन्ग को देखते हुए सोच रही होती है पिछले 2 दिनों से मास्टर उसी जगह पर बैठकर इस स्वॉर्ड को देख रहे हैं, आखिर मास्टर के दिमाग में चल क्या रहा है। तभी टियान सॉन्ग अपने स्वॉर्ड का यूज करते हुए किलर स्वॉर्ड पर एक अटैक करता है, पर किलर स्वॉर्ड से टकराते ही उसके स्वॉर्ड के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। यह देखते ही टियान सॉन्ग एक स्माइल करते हुए बोलता है यह स्वॉर्ड सच में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, और अब वह खड़ा होते हुए स्वॉर्ड की ओर आगे बढ़ने लगता है, जो देखते ही जियान यू रोकते हुए बोलती है मास्टर आपको यहाँ पर संभल कर रहना चाहिए क्योंकि इस स्वॉर्ड को सुयांग ने बनाया है और सुयांग की पावर सच में बहुत ही ज्यादा अजीब है, तो आपको इसे अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। टियान सॉन्ग बोलता है मुझे यहाँ पर किसी से भी डरने की कोई भी जरूरत नहीं क्योंकि पूरे के पूरे अपर वर्ल्ड में भी ऐसा कोई भी पर्सन मौजूद नहीं है जो मुझे हर्ट कर सकता है। यह बोलते हुए वह जैसे ही उस स्वॉर्ड को टच करता है उस स्वॉर्ड के अंदर से एक ऑरा स्लैश निकलता है जो सीधा आकर टियान सॉन्ग के चेहरे पर लगता है, जिससे उसके चेहरे पर एक कट लग जाता है। यह देखकर जियान यू डर जाती है। तभी टियान सॉन्ग हंसते हुए बोलने लगता है सुयांग तुम सच में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग पर्सन हो और तुमने मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा सरप्राइज किया है। यह बोलते हुए वह अपनी पावर को रिलीज करते हुए किलर स्वॉर्ड की ओर आगे बढ़ने लगता है और अब वह उस किलर स्वॉर्ड को पकड़ने की कोशिश करता है। तभी किलर स्वॉर्ड के अंदर से कई सारे स्लैश अटैक निकलते हैं जिसके प्रेशर से जियान यू दूर जाकर गिरती है। वहीं पर टियान सॉन्ग के भी हाथ में कई सारे कट्स लग चुके होते हैं, जिसे देखते ही वह खुश होते हुए बोलने लगता है यह तो 10,000 विंड ब्लेड टेक्निक था। यह बोलते हुए वह वहां पर जोर जोर से हंसने लगता है। वहीं पर खड़ी जियान यू बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुकी होती है और अब वह बोलती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, सुयांग ने यहाँ पर अपनी पावर का यूज करते हुए 8th स्वॉर्ड वेन के सबसे ज्यादा पावरफुल टेक्निक को इस स्वॉर्ड के अंदर कैसे डाल दिया। दूसरी ओर टियान सॉन्ग किलर स्वॉर्ड की ओर आगे बढ़ रहा होता है। वहीं पर किलर स्वॉर्ड के अंदर से लगातार स्लैश अटैक निकलते हुए टियान सॉन्ग को घायल किए चले जा रहे होते हैं, पर यह देखकर टियान सॉन्ग बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है। वहीं पर वह हंसते हुए बोल रहा होता है सुयांग तुमने मुझे यहाँ पर अंडर एस्टिमेट किया और यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। अब हमें जियान क्लैन को दिखाया जाता है जहाँ पर एक पर्सन एक काफी खतरनाक स्वॉर्ड स्लैश अटैक यूलान के ऊपर करता है, पर यूलान उसे डॉज कर लेती है। तभी एक ओल्ड मैन आगे आते हुए बोलता है यूलान तुम्हें एक और बार सोच लेना चाहिए, हजारों सालों से तुम्हारी जियान फैमिली हमारे स्वॉर्ड डोमेन के लिए स्वॉर्ड्स बना रही है, इसीलिए हम तुम्हारी फैमिली की बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, तो क्या इसके बावजूद तुम यहाँ पर सुयांग की मदद करना चाहती हो। तभी यूलान अपनी पावर को रिलीज करती है, जो देखते बगल में खड़ा फेंगजियांग सेक्ट का एल्डर आगे आते हुए बोलता है यूलान हमारे रास्ते से हट जाओ, आज हमें यहाँ पर कोई भी नहीं रोक सकता है और हम आज यहाँ पर सुयांग को फाइट में जरूर हराएंगे। वहीं पर सावहान के भी हाथ में एक किलर स्वॉर्ड होता है और वह बोल रहा होता है कि आज यहाँ पर फैसला हो ही जाएगा कि किसके द्वारा बनाया गया किलर स्वॉर्ड सबसे ज्यादा पावरफुल है। यह बोलते हुए वह यूलान पर लगातार कई सारे स्लैश अटैक करने लगता है, पर यूलान उसके सभी अटैक्स को डॉज करते हुए बोलती है एल्डर सावहान आप शायद से भूल गए हो कि स्वॉर्ड इमॉर्टल हमेशा क्या कहा करते थे। उनका कहना था कि स्वॉर्ड एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल वेपन है जिसका यूज हमेशा कमजोर लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए करना चाहिए, ना कि अपनी ताकत का प्रदर्शन करने के लिए। अभी वह ओल्ड मैन यूलान के ऊपर अपने 3000 ब्लेड टेक्निक से अटकती है, जो देखते ही यूलान उसे ब्लॉक करने लगती है, पर वह अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है जिससे यूलान वहां पर घायल हो जाती है। और तभी उस जगह पर एक तीसरा पर्सन आता है, इस पर्सन का नाम सुआन है और यह भी फुजियान सेक्ट का एल्डर है। अब सुआन डू बोलता है लड़की तुम बस 7th लेवल की इमॉर्टल हो, तो तुम्हें क्या लग रहा है तुम हम तीनों को यहाँ पर रोक सकती हो, आज सुयांग को हमसे फाइट करना ही पड़ेगा। यह बोलते हुए वह तीनों एक साथ यूलान पर अटैक करते हैं। यह देखकर यूलान काफी ज्यादा डर जाती है। तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है जो उससे बोल रहा होता है अपने सभी स्वॉर्ड्स को अपने सोल के साथ मर्ज कर लो जिससे तुम्हारी स्वॉर्ड सोल और बॉडी एक हो जाएगी। अब यह सुनते ही यूलान बिल्कुल ऐसा ही करती है।
तभी उसके सभी स्वॉर्ड आपस में मर्ज होते हुए वहां पर एक जाइंट स्पिरिट स्वॉर्ड में बदल जाते हैं। वहीं पर युलान ब्रेक थ्रू करके 8th लेवल इमॉर्टल बन जाती है और अब उसकी बॉडी से काफी खतरनाक एनर्जी रिलीज होती है, जिस एनर्जी से घायल होते हुए वह तीनों दूर जाकर गिरते हैं। अब वह तीनों एक साथ दोबारा से युलान पर अटैक करते हैं, पर युलान अपने एक ही स्लैश अटैक में उन सभी लोगों को घायल करते हुए दूर फेंक देती है। सुआंडू बोलने लगता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं यहाँ पर इस तरह मरूंगा। तभी वह सभी लोग नोटिस करते हैं कि उस स्वॉर्ड अटैक से उन तीनों को वहां पर बिल्कुल भी हर्ट नहीं हो रहा होता है, यहाँ तक कि उनकी सालों पुरानी इंजरी भी उस अटैक की वजह से हील हो रही होती है। साथ ही साथ उनके सभी मेटेरियल्स भी, जो पहले किसी फाइट में डैमेज हो चुके थे, वह भी अपने आप ही हील हो जाते हैं। यह देखकर वह तीनों काफी ज्यादा हैरान होते हैं और बोलने लगते हैं कि यह काम तो बस एक ही स्वॉर्ड कर सकता है, मास्टर जियान सेंग का हार्ट स्वॉर्ड। पर आज से 1,00,000 साल पहले ही यह स्वॉर्ड टेक्निक अचानक से कहीं गायब हो गई और किसी को भी इस स्वॉर्ड टेक्निक के बारे में कुछ भी नहीं पता है। अब साउहान बोलता है, युलान मुझे बताओ आखिर तुमने यह स्वॉर्ड टेक्निक कहाँ से सीखी। तभी युलान हंसते हुए बोलती है, यह स्वॉर्ड टेक्निक उसे उसके एंसेस्टर ने सिखाई है। दूसरी ओर हमें सुयांग को दिखाया जाता है जो एक जगह पर टेबल पर बैठा चाय पी रहा होता है। तभी वहां पर भागते हुए युलान आती है और अब वह बोलती है, मास्टर मैंने यहां पर दोबारा से ब्रेक थ्रू किया। तभी सांगनिंग बोलती है, युलान आखिर इतने कमजोर लोगों से फाइट करके तुम अपना टाइम वेस्ट क्यों करती हो। अगली बार जब कोई कमजोर इंसान जियान फैमिली पर अटैक करने के लिए आए तो तुम उसे हमें संभालने देना, हम कुछ सेकंड्स के अंदर ही उसका खेल खत्म कर देंगे। तभी युलान सुयांग से बोलती है, एंसेस्टर मैंने यहाँ पर एक नई टेक्निक को सीखा है, तो क्या आप मेरी उस नई टेक्निक को देखना चाहोगे। यह बोलते हुए वह दोबारा से उस स्वॉर्ड टेक्निक को वहां पर परफॉर्म करती है। तभी सभी लोग नोटिस करते हैं कि युलान की पूरी बॉडी वहां पर एक स्पिरिट में बदल चुकी होती है और यह देखकर डीमन एम्परर बोलने लगता है, अभी युलान बिल्कुल मुझे सीनियर लिंगसू जैसी लग रही है। वहीं पर उस टेक्निक को देखकर सांगनिंग को भी बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा होता है। तभी सुयांग एक अटैक करते हुए युलान के चारों ओर मौजूद सभी स्वॉर्ड्स को डिस्ट्रॉय कर देता है और अब वह उसे वहां पर शांत करता है, जिससे युलान बेहोश होकर नीचे गिरने लगती है। तभी सांगनिंग भागते हुए आकर उसे पकड़ लेती है। यह देखते ही डीमन एम्परर बोलता है, मास्टर आखिर आपने इसकी टेक्निक को यहाँ पर बीच में ही ब्लॉक क्यों कर दिया। दूसरी ओर हमें लियान को दिखाया जाता है जो एक जगह पर अपने एंसेस्टर्स के प्लेट के सामने बैठा हुआ उनकी पूजा कर रहा होता है। तभी वहां पर काफी तेजी से आते हुए सुयांग उस पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। यह देखते ही लियान काफी ज्यादा डर जाता है और बोलने लगता है, मास्टर आखिर आप इतने ज्यादा गुस्से में क्यों हो, क्या मुझसे यहाँ पर कोई गलती हो गई। तभी सुयांग बोलता है, मैं तुमसे यह जानना चाहता हूँ कि आखिर युलान के अंदर 10,000 साल पुरानी स्वॉर्ड एनर्जी कहाँ से आई, और तो और उसकी बॉडी के अंदर एक सोल स्वॉर्ड भी मौजूद है। तभी डीमन एम्परर गुस्सा होते हुए बोलता है, ओल्ड मैन मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम युलान की बॉडी के साथ एक सोल स्वॉर्ड को मर्ज कर दोगे। अब यह सुनते ही लियान डरते हुए बोलता है, मास्टर यह सब कुछ मैंने नहीं किया है। आज से 1,00,000 साल पहले यहाँ पर एक वॉर हुई थी, जिस वॉर में स्वॉर्ड इमॉर्टल बहुत ही ज्यादा घायल हो गए और उनकी बॉडी से काफी ज्यादा मात्रा में स्वॉर्ड एनर्जी बाहर निकल गई थी। फिर मेरे जियान फैमिली के एंसेस्टर ने उस एनर्जी को अपनी फैमिली के अंदर संभाल कर रखा, पर आज से 10,000 साल पहले जब युलान का जन्म हुआ तो वह सभी स्वॉर्ड एनर्जी अपने आप ही युलान की बॉडी के अंदर चली गई। मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया, और तो और मैंने आज तक युलान को स्वॉर्ड्समैनशिप की प्रैक्टिस इसीलिए नहीं करने दी, क्योंकि अगर वह स्वॉर्ड्समैनशिप की प्रैक्टिस करती तो उसकी बॉडी के अंदर मौजूद स्वॉर्ड इमॉर्टल की एनर्जी अवेक हो जाती। लियान बोलता है, मास्टर आखिर मैं यह सब कुछ कैसे कर सकता हूँ, युलान मेरे फैमिली की आखिरी डिसेंडेंट बची हुई है, और यहाँ पर युलान के मरने के बाद मेरी पूरी की पूरी जियान फैमिली भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, तो मैं ऐसा कुछ करने के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ। मैं बस यहाँ पर यह चाहता हूँ कि युलान एक पीसफुल लाइफ जिए और मेरे जियान फैमिली की ब्लड लाइन को बरकरार रखे। यह सुनकर सुयांग वहाँ पर शांत हो जाता है और अब वह बोलता है, युलान यहाँ पर क्या करना चाहती है यह तुम डिसाइड नहीं करोगे, बल्कि यह वह खुद डिसाइड करेगी। अब हमें दिखाया जाता है कि अगले दिन युलान सुयांग के सामने खड़ी होकर बोल रही होती है, मास्टर आज तीसरा दिन खत्म हो गया,
तो आज आप जाकर वूजी स्वॉर्ड टावर को डिस्ट्रॉय करने वाले हो, मैं भी आपके साथ चलना चाहती हूँ। तभी डीमन एम्परर उसके पास आते हुए बोलता है, वह जगह बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, तो मैं नहीं चाहता कि तुम भी उस जगह पर हमारे साथ चलो, क्योंकि तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। योलान बोलती है, उसने यहाँ पर पहले ही फैसला कर लिया है, तो अब वह पीछे नहीं हट सकती है। यह सुनते ही सुयांग बोलता है, तो फिर ठीक है, तुम हमारे साथ चल सकती हो। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।